फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फील्ड्स ऑफ फोर्सेस, मतलब कि फोर्सेस की फील्ड्स हमारे पास कौन सी हैं। द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ रिस्पेक्टिवली। हमारे पास जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट कर ली है कूलम्स लॉ की हेल्प से या न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉज की हेल्प से, ठीक है। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है, वट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेज, इन फोर्सेज के ओरिजिन क्या हैं, मतलब ये फोर्सेज आई कहाँ से, ये इन फोर्सेज की शुरुआत कहाँ से हुई, हाउ आर दीज फोर्सेज ट्रांसमिटेड। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है वो ये है कि हाउ आर दीज फोर्सेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मैस टू अनदर और फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर। हमारे पास ये फोर्सेज जो है वो ट्रांसमिटेड कैसे होती है, मतलब कि एक मैस से दूसरे मैस पे कैसे ट्रांसमिट होती है और एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर कैसे ये ट्रांसमिट होती है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, इसका हमारे पास अभी तक कोई आंसर स्टिल नहीं मिल सका, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है कि हमने इसको एक्सेप्ट किया है कि यह हमारे पास क्या है, एक बेसिक फोर्सेस है नेचर की, इसकी एग्जिस्टेंस की वजह से हमने इसको एक्सेप्ट किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका मैकेनिज्म जो है, टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म बाय विच इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज ट्रांसमिटेड। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, बी क्वेश्चन, कि ये ट्रांसमिट कैसे होती है, तो माइकल फैराडे ने एक मतलब मैकेनिज्म हमें बताया कि कैसे हम लोग इनको ड्राइव कर सकते हैं, कि ये कैसे एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर जा सकती हैं। 1791 से लेके 1867 तक इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या किया, कॉन्सेप्ट हमें दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर डेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है नेचर कि डेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द जो हमारे पास स्पेस होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ फोर्स फील्ड डेट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर चार्जेस प्लेस इन डेट फील्ड। ये जो हमारे पास फील्ड होती है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये फोर्स फील्ड भी हो सकती है, जो कि फोर्स एग्जर्ट करती है दूसरे चार्जेस पे जो कि उस फील्ड के अंदर होते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास एक बंदा है, एक जगह पे खड़ा है, उसने अपने इर्द गिर्द का काफी जो सराउंडेड एरिया है वो अफेक्ट किया हुआ है अपनी फोर्स की वजह से, ठीक है। अब जो भी इंसान उस सराउंडेड एरिया में आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, उस फोर्स से अफेक्ट होगा। इसी तरह उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है कि एक दायरा होता है जिसके जिस एक हद तक उसका क्या होता है, एक अफेक्ट होता है, ठीक है। जो कोई भी चार्ज उसके अंदर आएगा वो उसकी फोर्स को क्या करेगा, अपने ऊपर एक्सर्ट करवाएगा। अब फील्ड थ्योरी क्या होती है, दिस फील्ड थ्योरी कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस बाय माइकल फैराडे। ये माइकल फैराडे ने हमारे पास कंसेप्ट हमें दिया था फील्ड थ्योरी का। इस फील्ड थ्योरी के दो स्टेप्स हैं। स्टेप वन जो है वो क्या है, अ चार्ज क्यू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज क्यू है जो कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग, जो कि आपको फिगर वन में ए में शो करवाया गया है। ये फिगर हमारे पास ए है जिसे हम शो करवा रहे हैं कि हमारे पास एक क्यू चार्ज है जो कि अपने इर्द गिर्द जो है वो एक फील्ड बनाई हुई है, एक दायरा बनाया हुआ है उसने। जो भी इस दायरे में चार्ज आएगा वो इसकी फील्ड को क्या करेगा, अपने ऊपर हावी करवाएगा, मतलब एग्जर्ट होगी इसकी फील्ड उसके ऊपर, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है कि दिस फील्ड इंटरेक्ट विद द टेस्ट चार्ज। अगर हम इसी फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज लेकर आ जाते हैं जिसे हम क्यू नोड से जाहिर करते हैं, विच इज प्लेस्ड इन इट, जो कि हम लोग इसके अंदर रखेंगे, इस फील्ड के अंदर लेकर जाएंगे, एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू नोट, ठीक है। और हमारे ऊपर ये फोर्स क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होगी क्यू नोट के ऊपर, ओके। जैसा कि आपको इस फिगर बी में दिखाया गया है कि हम लोगों ने इसी क्यू प्लस क्यू चार्ज जो था हमारे पास, जिसके इर्द गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, इसके पास हमने एक टेस्ट चार्ज लेकर आए क्यू नोट। जब क्यू नॉट इस फील्ड के अंदर आया तो उसके ऊपर भी क्या हुई, एक फोर्स एग्जर्ट हुई, एफ फोर्स एग्जर्ट हुई उस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर, जिसे हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, ठीक है। ये फिगर बी में आपको ये चीज शो करवाई। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास फिगर ए और फिगर बी में डेंसिटी जो है डॉट्स की वो प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वेरियस पॉइंट। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो डेंसिटी है फिगर ए और बी में डॉट्स की वो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वेरियस पॉइंट, के हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है अलग अलग पॉइंट्स पर। जैसे कि आपको इधर दिखाया हुआ है फिगर ए और फिगर बी में, आप देखें जैसे ही प्लस क्यू चार्ज के पास पास जो एरिया है वो ज्यादा, मतलब उधर क्या है, फील्ड ज्यादा है, वो ज्यादा डॉटेड है, वहां पर ज्यादा डॉट्स हैं, ठीक है। और जैसे ही वो दूर होता जा रहा है वैसे वैसे डॉट्स क्या होते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, मतलब के कम होते जा रहे हैं। इसी तरह फिगर बी में है कि जैसे जैसे उसके पास वाला एरिया है वहां पे चार्जेस क्या हैं,
ज्यादा है, जैसे ही दूर जाते जा रहे हैं तो चार्जेस क्या होते जा रहे हैं, उसकी फील्ड क्या होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही है। अब हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, हमारे पास मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत, इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, उसकी शिद्दत इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, मतलब ताकत, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोगों की शिद्दत कितनी होती है, कहाँ तक होती है, किस तरीके से होती है और इसकी ताकत क्या होती है, ये दोनों चीजें सेम ही मतलब रखती हैं, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, द कूलम्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कूलम्स फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब कि कूलम फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, के कूलम फोर्स जो होगी पर यूनिट चार्ज पर वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ई से, ठीक है, एंड पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, और उसको डायरेक्शन ऑफ एफ में शो करवाएंगे, उसकी पॉइंटिंग करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि अगर हम लोग एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट जो है वो हम लोग लेकर जाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स एफ एट एनी पॉइंट पी विद द फील्ड, हम किसी भी पॉइंट पी पे अगर क्यू नोट चार्ज को लेकर जाते हैं, किसी टेस्ट चार्ज को लेकर जाते हैं, तो वो उसके ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी, एग्जर्ट करेगी ना, जैसे कि आपको फिगर बी में दिखाया गया है, ऊपर उन्होंने कहा है देन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज गिवन एज ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नोट, एफ क्या है, फोर्स है जो कि किसके ऊपर लगी है, क्यू नोट पे लगी है, ई जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि क्यू नोट को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक ऐसे पॉइंट पे रखा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही है, तो फोर्स ओवर क्यू नोट, ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। हमारे पास वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होगी, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस, हमारे पास एक क्यू चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, हमारे पास एक चार्ज है क्यू, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये क्यू चार्ज वो है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम लोग कोई टेस्ट चार्ज टू एवल्यूट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, हम लोगों ने एक पॉइंट पी सिलेक्ट किया जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है, हमने वहां पर टेस्ट चार्ज को रखा एट दैट पॉइंट पी, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट इन द फील्ड ऑफ चार्ज क्यू इन वैक्यूम, इस वैक्यूम यानी कि इस क्यू चार्ज की वजह से जो इस क्यू नोट को फोर्स एक्सर्ट हुई है जिसके ऊपर क्यू नोट फोर्स के ऊपर पॉइंट पी पे, और हम लोग उसको शो करवाएंगे, तो हम लोग कैसे करवाएंगे, एफ जो होगा वो इक्वल होगा वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन क्यू 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 नोट ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर जो है ये हमें क्या शो ऑफ करवाता है, इसकी डायरेक्शन शो करवाता है। हम लोगों ने कूलम्स लॉ में यहाँ क्या देखा था, क्यू वन एंड क्यू टू, लेकिन अब हमारे पास क्या है, क्यू है और क्यू नोट है, ठीक है, आर वेक्टर ये जो है यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्टेड होता है फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू टू टेस्ट चार्ज क्यू, क्योंकि इसकी फोर्स इसके ऊपर लगी है, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, क्यू नॉट की तरफ होगी, और ये हमें क्या शो करवा रहा है, डायरेक्शन शो करवा रहा है, अंडरस्टैंड। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, एफ ऊपर हमने फाइंड आउट किया है, फोर्स फाइंड आउट की है जो आपको ऊपर दिखाई हुई है, एफ इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, एफ की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर आर वेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई वन ओवर क्यू नॉट, ऐसे एज इट इज लिख दें। अब ये क्यू नॉट जो है इस क्यू नॉट से क्या हो जाएगा, कट डाउन हो जाएगा, ओके, और हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू ओवर आर स्क्वायर आर वेक्टर। अगर हमारे पास इफेक्ट ऑफ मीडियम जो होगा वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का विल बी सेम एज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का भी सेम होगा जैसे कि हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स का, ई डैश इज इक्वल टू ई ओवर ई आर, ठीक है, ये क्या है, अगर हमारे पास इंसुलेटिंग मीडियम आता है तो हमारे पास उसकी वैल्यू ई आर आती है, रिलेटिव परमिटिविटी आती है, ठीक है, आर रिलेटिव, ई हम लोग किसको डिनोट करते हैं, परमिटिविटी को। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी ई आर की प्रेजेंस से, मतलब अगर रिलेटिव परमिटिविटी होगी तो इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जैसे कि ऊपर आपको कूलम्स लॉ में शो करवाया गया था, आपकी कूलम्स लॉ भी जो थी रिलेटिव परमिटिविटी की फोर्स जो थी, कूलम्स लॉ की फोर्स जो थी वो रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। हेंस हमारी ये वाला टॉपिक भी एंड होता है।